कॉर्न सूप बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी कॉर्न की, और यहाँ पर मैंने लिए हैं अमेरिकन कॉर्न। अमेरिकन कॉर्न बहुत सॉफ्ट होते हैं और उसमें रसा भी बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि आप देखोगे कि इसको प्रेस करने पर इसमें जूस ही जूस निकलता है इस तरीके से। तो हमने लिए हैं यहाँ पे अमेरिकन कॉर्न। अगर आपके पास नहीं है, आप सिंपल कॉर्न से बनाना चाहते हैं, भुट्टे के दाने से बनाना चाहते हैं, तो भुट्टे के दानों को पहले आप दो प्रेशर लगाकर गला लें। इसके अलावा जो हमें सामग्री चाहिए उसमें है आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, आधी कटोरी गोभी, इसको भी हमने कट कर लिया है, एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, एक हरी मिर्च जिसके कि मैंने सीड बाहर निकाल दिए हैं, इससे ये कम तीखी हो गई है, तो इस तरह की हमें मिर्च चाहिए, एक गाजर बारीक कटी हुई, फ्रेंच बीन्स की फलियां आधी कटोरी, कुछ धनिया पत्ती मैंने साबुत ली है, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, चार लहसुन की कलियां और एक इंच अदरक को मैंने पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है, डेढ़ चम्मच चाहिए हमें कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आधा चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। हमारे पास जो सब्जियां हैं उनको हमने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले गैस ऑन करके रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे दो ग्लास पानी, साथ ही इसमें डालेंगे गोभी, गाजर, बीन्स, अनियन, चॉप्ड ग्रीन चिली, कॉर्न, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टेस्ट टू साल्ट। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और इनको सॉफ्ट होने तक हम बॉईल करेंगे। तो पहले लिड लगाकर इनको सॉफ्ट कर लेते हैं। सब्जियां हमारी बॉईल होने लगी हैं। सारी सब्जियों को बॉईल होते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करके देखेंगे। हमारी सारी सब्जियां तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, लेकिन जो गोभी है इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम पहले इसको ही चेक करते हैं। ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, धनिया पत्ती, काली मिर्च पाउडर, सबको मिक्स करेंगे। बहुत ही डिलीशियस और कलरफुल हमारा सूप बनकर तैयार होने वाला है। अब जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम घोल बना लेंगे। सूप को थोड़ा थिक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बस अब इसको भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आप देखोगे कि डालते के साथ ही हमारे सूप के जो ग्रेवी थी वो एकदम थिक होने लगी है, जो एकदम वाटरी थी वो अब थिक लगने लगी है। अब लिड लगाकर इसको एक बार हम थोड़ा सा और पकने देते हैं, फ्लेम को कर देंगे सिम और 1 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। ये सूप अगर मार्केट में आप लेने जाएंगे तो किसी भी साधारण से आप होटल में चले जाइए, 75 से 100 रुपए की आपको एक प्लेट मिलेगी, यानी एक बाउल मिलेगी, ना तो उसमें इतनी सब्जी पड़ी हुई होंगी, बिल्कुल पतला होगा, और वही सूप हमने कम दाम में घर पर बनाया है और इसका टेस्ट भी बेस्ट है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा इसको खट्टा करने के लिए, इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं, मिक्स करेंगे और फटाफट से गरम गरम इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। मेरे बच्चे तो मेरे पीछे ही खड़े हैं कि कब बने और कब मम्मी इसकी पिक लें और फटाफट से हम इसको पिए, तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करें। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।